मध्य प्रदेश में आखिरकार क्या हो गया ऐसा कि अचानक ही मच गया गरबा पर गदर? क्यों गूंज रहे एमपी में गौमूत्र, तिलक, बुरखा, लव जिहाद और गैर हिंदू वाले शब्द? क्या नवरात्र पर इस बार मध्य प्रदेश में नहीं होगा गरबा? इंदौर, भोपाल, रतलाम और दूसरे शहरों में परंपरागत गरबा पर लग गया पहरा। शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में देश भर में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। युवक युवतियां डांडिया खेल रहे हैं, गरबा में डांडिया की खटखट उल्लास और उमंग पैदा कर रही है। लेकिन इन सबके बीच देश के एक राज्य में गरबा की धूम कम और सियासी बयानबाजी ज्यादा गूंज रही है। मध्य प्रदेश में अचानक इस बार ऐसा क्या हो गया कि हिंदू संगठनों ने गरबा पर हंगामा बरपा दिया और तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी? मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और रतलाम सहित कई शहरों में गरबा को लेकर तरह तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और एमपी में गौमूत्र, लव जिहाद, तिलक, बुरखा और गैर हिंदू जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले 35 साल से भवरकुआं इलाके में शिखर गरबा समिति 9 दिवसीय मूर्ति स्थापना करके गरबा रास का आयोजन करती आ रही है और आयोजक है फिरोज खान। अब चूंकि देश में मुस्लिमों को लेकर लव जिहाद का माहौल बना हुआ, तो हिंदू संगठन निकलकर सामने आ गए और उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि जिनको मूर्ति पूजा पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर वो कैसे विधि विधान के साथ माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। शिकायत होने पर मामला पुलिस तक पहुंचा, तो फिर शिखर गरबा समिति के आयोजन पर रोक लगा दी गई, टेंट उखाड़ दिए गए, बैनर पोस्टर हटा दिए गए। उधर एक बंगाली कारीगर ने मां की मूर्ति को बुरखे में दिखा दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा का उबाल आ गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी कारीगर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने पोस्टरों के जरिए और बयानों के जरिए मुस्लिमों के आयोजन में शामिल होने पर रोक लगाने के लिए कुछ नया ही पैंतरा निकाल दिया। कहीं पोस्टर चस्पा कर दिए कि पंडाल में गैर हिंदू ना आए, जबकि कहीं पर ये कहा गया कि गरबा के पंडाल में प्रवेश से पहले सभी को गौमूत्र का सेवन कराया जाए और माथे पर तिलक लगाया जाए, क्योंकि जो भी गैर हिंदू होगा वो ना तो गौमूत्र पिएगा और ना ही तिलक लगवाएगा। कुल मिलाकर कहानी केवल इतनी सी है कि पिछले कुछ सालों में तेजी से हावी हुए लव जिहाद ने हर जहन को बदल कर रख दिया और उसके साथ ही त्योहारों की रौनक को भी विवादों के साए में हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में होने वाले आयोजनों की चमक फीकी पड़ गई है और सियासी बयानबाजी के बीच स्थायी समाधान खोजने की भी कवायद है।